तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में लगभग 100-150 वीडियोस जो रिसेंटली मैंने डाली थी 2-3 महीने 6 महीने पहले, उन वीडियोस पे लगातार कमेंट्स आते हैं। और उससे भी पिछले दो तीन साल पहले मैंने वीडियोस डाली थी, किसी पे 1 मिलियन है, किसी पे 1.7 मिलियन है, उन सारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि सर ये सामान कहाँ मिलेगा, ये जो रैपर हैं ये रैपर कहाँ मिलेंगे, ये जो आपका ये सीलिंग मशीन है, ये वेट मशीन है, ये कहाँ मिलेंगे, कैसे हम इन सामान को मंगा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग दिल्ली के आसपास में रहते हैं, दिल्ली NCR में अगर आप लोग रहते हैं, तो आप लोग पहुंच जाइए खारी बावली मार्केट। खारी बावली ये आपका जो सदर बाज़ार है, यहाँ पर मार्केट है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें होलसेल प्राइस में मिल जाती हैं। अगर आप लोग थोड़ा दूर रहते हैं, जैसे इलाहाबाद में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, बहुत नागपुर में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अगर अलग अलग जगहों से आप लोग, क्योंकि वीडियोज़ ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम बाहर दूसरे देश में तो चीज़ें भेज नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, अपने देश के लोगों को बहुत ईजिली हम प्रोवाइड करा सकते हैं और कम प्राइस में करा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, सिर्फ 2000 रुपये में आप लोगों को एक 8 इंच की जो हमारी ये होती है ये सीलिंग मशीन, ये एक वेट मशीन, ये रैपर आपको दे देंगे 5 किलो, सिर्फ 2000 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको हम दे रहे हैं, आप लोग ये मंगा सकते हैं। इसके अंदर भरने वाली चीज़ें, जैसे अब आपने मंगाया कि मसाले के लिए छोटे वाला रैपर मंगाया, 5 kg रैपर हो गया आपका, सीलिंग मशीन हो गई, वेट मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें मंगा के अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप लोग अपने आसपास के होलसेल मार्केट को ढूंढिए कि भाई मसाले कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे मैं ये चीज़ें ले सकता हूँ। क्योंकि कैंडीज़ वगैरह अगर आपको चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं आने वाले बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को ये सामान अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में अगर आप लोग खड़े मसाले का काम शुरू करना चाहते हैं, तो 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये अलग अलग के हिसाब से मार्केट में चीज़ें, जैसे मेथी हो गई, जीरा हो गया, काली मिर्च, लौंग, अलग अलग मार्केट का रेट है, वहाँ से आप लोग 5 किलो 10 किलो उठाइए, ये 2000 का पैकेज उठाइए, इसमें सील करिए, स्टेपलर लगाइए, गत्ता आप अपने आसपास के किसी भी कबाड़ी वाले के पास से ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे कपड़े हो गए, कपड़े के डिब्बे हो गए, वो बहुत अलग अलग तरीके से जो कबाड़े होते हैं, कबाड़ी वालों के पास पहुंचते हैं, वहाँ से आप उठा के उसको कट करके, उसके ऊपर स्टेपलर करके और लोकल दुकानों पे लेके जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग कॉल घुमाइए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, इसे बेच के हमारा कुछ बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने 2000 रुपये में सीलिंग मशीन भी, वेट मशीन भी, रैपर भी, सब आप लोगों के लिए इजी कर दिया है। आप लोग मंगा के अपने खुद का काम शुरू कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट वाले जो हैं, जो आपके आसपास के लोग होंगे, जो आप लोग को बरगलाएंगे कि कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, बस वही चीज़ होता है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जैसे वाइट कॉलर लोग होते हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं आराम से, उनकी बहुत इज्जत होती है, लेकिन होते वो भी गुलाम हैं। तो अगर आप लोग को गुलामी से आज़ादी चाहिए, जैसे अभी देखा आपने 1947 से पहले अंग्रेज़ों से किस तरीके से हमारे देश के जो जवान थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, कैसे लड़े हैं वो लोग, किस लिए लड़े, क्योंकि ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपकी आज़ादी होती है, जो आप लोग 15,000 20,000 50,000 के वैल्यू पे बेच देते हैं, लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप कुत्ता पाला जाता है घर में, अब उसको सुबह शाम की रोटी दी जाती है कि भाई इतनी रोटी खाएगा वो, और घर में रहेगा, रखवाली करेगा, भौंकेगा, थोड़ा सा उसको हम प्यार कर देंगे, तो वही थोड़ा सा प्यार आप लोगों को इंक्रीमेंट के रूप में दिया जाता है, या फिर थोड़ा सा आप लोगों को इंसेंटिव के रूप में थमा दिया जाता है। इन शॉर्ट में आप क्या हैं, आप खुद देख ली, क्योंकि आप अपनी आज़ादी को अगर थोड़े से पैसे के लिए किसी को बेच दे रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को उससे ही कंपेयर करिए जो भौंकता है बाहर। क्योंकि अगर आप लोगों को भौंकना नहीं है, अगर आप लोगों को अपने ज़िंदगी में ताल ठोकना है कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा बना सकता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नौकरी करते हैं तो धीरे धीरे आप लोगों को प्रमोशन मिलता है, और लास्ट में जब प्रमोशन की बारी आती है कि भाई अब मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि अपने आप को बहुत अच्छे से रखूँगा, तब तक आप बूढ़े हो चुके होते हैं, आपके अंदर सारा जान खत्म हो चुका होता है, किसी लायक आप बचते नहीं हैं। तो जवानी के ज़िंदगी में जब आपके अंदर फुल एनर्जी है, पूरा आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो इन कामों से करिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप किसी को लूट नहीं रहे हैं, आप खुद का काम कर रहे हैं। इस खुद के काम को अगर आप छोटा समझेंगे, तो आप कभी ज़िंदगी में बड़े हो नहीं सकते हैं।
क्योंकि सोच इंसान की बड़ी होनी चाहिए। काम कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम को आप पूरे लगन से करते हैं वो काम कब बड़ा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।